इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चलना है वी एन एप्लीकेशन में और वी एन ऐप को ओपन करना, उसके बाद क्लिक करना प्लस में, एंड उसके बाद आपको चलना न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन में। उसके बाद आपको गैलरी से दो फोटो को ऐड करना ओके, एंड दो फोटो को बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि एक पुराना फोटो ऐड करना और एक न्यू फोटो ऐड करना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो फोटो को सेलेक्ट करके और ऐड कर लेना। कुछ इस तरह से ऐड करना फोटो को, जैसे कि देख लो। उसके बाद क्लिक करना ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन में, और इसका जो रेशियो रहेगा आपको सेलेक्ट करना 9:16 रेशियो टिकटॉक वाला। उसके बाद सिंपली इसको डन कर देना ओके। उसके बाद आपको जाना इंड में, और इंड में इस ब्लैक वाले पार्ट को डिलीट करके हटा देना ओके। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है और दोनों फोटो को खींच करके बढ़ा देना, दोनों का लेंथ, इसका भी और इसका भी। उसके बाद फर्स्ट वाले फोटो में क्लिक करना, और देखो फर्स्ट वाले फोटो को 5 बार कट करना और सेकंड वाले फोटो को 4 बार कट करना। तो जैसे देखो यहाँ पे आना, उसके बाद क्लिक करना स्प्लिट का ऑप्शन में, एक बार हो गया। फिर आगे बढ़ना एंड फिर से क्लिक करना स्प्लिट का ऑप्शन में, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 एंड 5 ओके। इस तरह से उसके बाद आपको आगे बढ़ना, सेकंड फोटो में आ जाना और इसको 4 बार कट करना, 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना, एंड अभी आपको म्यूजिक ऐड करना। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना टैप टू ऐड म्यूजिक ऑप्शन में, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद क्लिक करना म्यूजिक में, और गैलरी से आपको म्यूजिक को ऐड कर लेना, और इसका जो म्यूजिक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से जाके और म्यूजिक को ऐड करना ओके। उसके बाद आप जैसे ही म्यूजिक को सेलेक्ट करते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन देने मिलता है म्यूजिक बीट्स का, तो सिंपली इसमें क्लिक करना म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, एंड अभी आपको बीट मार्क लगाना, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा बीट, वहाँ पे आपको बीट मार्क्स लगाना। तो पहले सुन लो पहले सॉन्ग को, और इस तरह से पूरा एंड तक है। तो अभी आपको बीट मार्क कहाँ कहाँ लगाना देख लो पहले। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे टैप करना तो बीट लग जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, वो जहाँ पे भी आपको हाइट वेव नज़र आ रहा होगा वहाँ वहाँ आपको बीट लगाना। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, फिर आगे बढ़ना है एंड फिर यहाँ पे लगा देना। तो इस तरह से आपको पूरा जो है यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा होगा म्यूजिक में, आपको हर जगह इस तरह से बीट मार्क करना है। टोटल आपको 19 बीट मार्क्स करने हैं। उसके बाद सिंपली इसको डन कर देना, एंड आ जाना फर्स्ट वाला फोटो में गाइज, एंड इसका जो लेंथ है ना आपको यहाँ पे आ जाना पहले फर्स्ट वाला बीट मार्क्स में यहाँ पे, और इसको क्लिक करके कंप्रेस करना, कम करना, और इसका लेंथ आपको इसके हिसाब से फर्स्ट बीट के हिसाब से आपको रखना ओके। उसके बाद आपको आगे चल जाना पूरा इधर सेकेंड फोटो में, और इसको क्लिक करके ऊपर उठाना, और आ जाना आपको सेकेंड में, और इसको सेकेंड में रखना। फर्स्ट हो गया तो आपको यहाँ पे सेकंड में रख देना इसको। उसके बाद आ जाना और क्लिक करना सेकंड वाले जो बीट मार्क्स है वहाँ पे, और इसको क्लिक करके कम करके, और उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना ओके। उसके बाद क्लिक करना थर्ड वाले फोटो में, एंड आगे क्लिक करना थर्ड वाले बीट मार्क्स में, और इसके हिसाब से इसको सेलेक्ट कर देना और कम कर देना। मतलब सुनो ध्यान से, देखो फर्स्ट में आपका रहेगा फर्स्ट फोटो, फर्स्ट में फर्स्ट फोटो, फिर सेकेंड में आपका सेकेंड फोटो, फिर आपका थर्ड में फर्स्ट फोटो, फिर फोर्थ में आपका सेकंड फोटो। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट फोटो ऐड करना। तो जैसे कि सेकंड हो गया यहाँ पे, फिर हम चलते हैं और यहाँ से अभी हम थर्ड में ही फोटो को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि देख लो इसी तरह से फर्स्ट में है, फिर सेकंड में है, फिर थर्ड आ गया वही फोटो, फर्स्ट वाला फोटो, फिर फोर्थ में इसको हम ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ पे, तो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना हो बीट मार्क्स में, और बीट के हिसाब से इसको इस वाला लेंथ को रख देना। तो इस तरह से आपको हर एक फोटो में ऐसा ही करना, जैसे कि ये हो गया। अब चलते हैं एंड इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको बिट के हिसाब से कंप्रेस कर लेते हैं इसका लेंथ। उसके बाद आपको आ जाना और फिर यहाँ से एक फ़ोटो को उठाना और अल्टरनेट ऐड करना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बट इस तरह से आपको ऐड करना। तो सिंपली इस तरह से ऐड करना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस तरह से आपको अरेंज करना हर एक फ़ोटो को बीट मास्क के साथ। उसके बाद आ जाना पूरा इन में, और इन वाले फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक करना और इसको खींच के पूरा इन तक कर लेना, मतलब जहाँ तक आपका म्यूजिक रहेगा वहाँ तक कर लेना ओके।
जिससे कि हमारा म्यूजिक यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे सिंपली यहाँ तक। उसके बाद आ जाना पूरा स्टार्टिंग में एंड क्लिक करना सेकंड वाले फ़ोटो में। उसके बाद आपको चलना है इफेक्ट्स ऑप्शन में और अभी आपको सेलेक्ट करना है जूम इन वाला इफेक्ट। ओके, यहाँ पे क्लिक करना जूम इन में और इसका लेंथ आपको 0.20 रखना है। उसके बाद आपको क्लिक करना अप्लाई ऑल में एंड सिंपली इसको डन कर देना। ओके, और अभी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ना एंड उसके बाद आ जाना 4.12 सेकंड में एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना ऐड इमेज के ऑप्शन में प्लस में एंड चलना आपको गैलरी में। उसके बाद अभी आपको सेकंड फोटो को ऐड करना, मतलब कि जिसमें आपका आफ्टर वाला फोटो है उसको ऐड करना एंड इसको जूम करना कुछ इस तरह से। उसके बाद पूरा घिस के उसको एंड तक कर देना, पूरा एंड तक। ओके, सो इतना कुछ कर लेना। उसके बाद अभी आपको पूरा ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे ऐड करना फोटो। उसके बाद नीचे आ जाना और नीचे आपको स्क्रॉल करना है और अभी आपको क्लिक करना मास्क ऑप्शन में यहाँ पे। उसके बाद क्लिक करना लीनर का ऑप्शन में तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अभी आपको जो दिख रहा होगा ऊपर में, इसको क्लिक करके इस तरह से रोटेट कर देना, इस तरह से घुमा देना। उसके बाद इसमें क्लिक करना बीच में और हल्का सा आपको इस तरह से फेड को कर देना। ओके, हल्का सा करना। उसके बाद आपको क्लिक करना की फ्रेम का ऑप्शन में, आपका पे कोना में दिख रहा होगा की फ्रेम प्लस में, यहाँ पे टैप करना। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और अभी आपको जो बीट मार्क्स दिख रहा होगा सिंपली इसमें क्लिक करना और अभी आपको फिर से की फ्रेम ऐड करना बीट के साथ में, क्लिक करना। उसके बाद आपको हल्का सा पीछे आना है, हल्का सा पीछे, और फिर से क्लिक करना की फ्रेम में और फिर से आपको की फ्रेम ऐड करना। ओके, उसके बाद आगे वाला की फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे और इसको रोटेट करना कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है अगले वाले की फ्रेम में, मतलब बीट मार्क्स में। उसके बाद क्लिक करना की फ्रेम में और हल्का सा पीछे कर लेना और फिर से क्लिक करना की फ्रेम में और आगे वाला की फ्रेम में आके और इसको इस तरह से रोटेट कर देना। ओके, उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है और इस तरह से आपको करते जाना, देख ले ध्यान से, क्योंकि ये भी बहुत ही टफ है ये वाला, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से आप ध्यान से देखना। सो इतना कुछ करने के बाद सिंपली इसको डन कर देना, ओके कर देना। उसके बाद आ जाना स्टार्टिंग में और फाइनली हमारा बन चुका है और अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो है कैसा बना है, तो देख लो। तो आपका भी कुछ इस तरह से बन जाएगा एंड बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पे, और जहाँ पे आप की फ्रेम ऐड करते हो वहाँ पे, तो इस तरह से की फ्रेम ऐड करना, बाकी आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना एक्सपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पे और आप गैलरी में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे टिक कर देना।